जितने भी सफेद पोश है पूरा जोर लगाया कि नरवीर सिंह हार जाए। जेजेपी को हरियाणा में जितनी वोट मिली 90 सीटों पे, नरवीर सिंह अकेला उनसे फालतू वोट ले गया। कोई अपोजिशन वालों का काम है कुछ ना कुछ तो कहेंगे, ममता बनर्जी की सरकार बनेगी वहां नहीं की, इन्हें गड़बड़ हुई है कि नरवीर सिंह ये कभी आरोप नहीं लगाएगा कि ये दिल्ली की सरकार की गलती है, हमने ये काम किया नहीं। मैं हरियाणा की और NCR की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि लोगों को बदलाव महसूस होगा। जहाँ भी हम डंप करने की कूड़े की कोशिश करते हैं वहीं एजिटेशन हो जाता है। भाई मेरा कूड़ा है तो मेरे घर के आसपास ही इकट्ठा होगा, दूसरे कूड़ा तो चाहो कूड़ा मेरा दूसरे घर के आगे पड़ जाए, ऐसा संभव नहीं है। 100 दिन में गुड़गांव आपको ये कंक्रीट का या पॉलीथीन का जंगल आपको नहीं मिलेगा। मैं चुनाव में भी कहा करता नरवीर सिंह गुड़गांव को सिंगापुर नहीं बनाएगा, हम इसको गुरुग्राम बनाएंगे, शीतला माता के गुरु द्रोणाचार्य की धरती है। अहमद शाह अब्दालियों का क्या कुछ करने वाले तो नहीं बदलेंगे अधिकारी, वो गुड़गांव चले जाएंगे। और फिर जब टिकट मिल गई, जब मैंने सबको कह दिया कि जो जो टिकट की लाइन में लग रहे थे वे सब खिलाफत करते, मगर पूरा जोर लगाओ और अपने राजनीतिक जीवन में सबसे अच्छी जीत से मैं जीता। तो हमसे बड़ा तो MLA ही कोई नहीं, आम आदमी जिसकी राजनीतिक पहुँच नहीं है, जब तक उस गरीब के घर तक सरकार की फायदे ना पहुँचे तब तक नरवीर सिंह और भाजपा का बनने का कोई फायदा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। और एक बार फिर से हमारे साथ हैं कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह, और इस बार कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह है रिपोर्टर जी के स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। रिपोर्टर जी के इस नए स्टूडियो में एक बड़े बदलाव की उम्मीद जो है वो हरियाणा और खासतौर से गुरुग्राम के लोग कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बदलाव जल्द शुरू। कब तक उम्मीद लग रही है कि वो बदलाव दिखेगा? देखो अभी अभी नई सरकार बनी है और 17 तारीख को चीफ मिनिस्टर ने और मंत्रियों ने ओथ ली है और आज 28 तारीख है, कुल 11 दिन हुए हैं। और आदमी कभी भी ये सोचे कि बच्चा आज पैदा होगा आज ही भागने लग जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा सा समय हरियाणा की जनता दे, बड़ी इच्छा और बड़े चाव से लोगों ने भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाई है और नायब सैनी जी 11वें मुख्यमंत्री इस प्रदेश के, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे 7वें चीफ मिनिस्टर के साथ काम करने का अवसर मिला है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इन 7 चीफ मिनिस्टरों में नायब सैनी जी एक अच्छे मिलनसार, हंसमुख, ईमानदार और लोगों के सुख दुख में एक आम परिवार से उठा हुआ आदमी है। और जैसे हरियाणा की जनता ने उनको जिताया है और सरकार बनाई है तीसरी बार, तो उस उन इच्छाओं को सबकी पूरी करेंगे। लेकिन कभी भी एक समय काम जो आहिस्ता आहिस्ता आपको बदलाव दिखेगा पूरे प्रदेश में भी और हरियाणा में और गुड़गांव में। गुड़गांव में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। हमारी सरकार होने के बावजूद भी पिछली योजना में जो गुड़गांव के लोगों ने उम्मीदें लगाई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, वो उम्मीदें उतनी पूरी नहीं हो पाई जी। एक तो वो अल्पमत की सरकार थी, अकेले भाजपा की सरकार नहीं थी, दो दलों की सरकार थी, और दूसरे दल ने जो काम किए वो हरियाणा की जनता को नागवार गुजरे कि उसको पसंद नहीं किया लोगों ने। लेकिन अब एक अच्छा मुख्यमंत्री बना है, अच्छी सोच का मुख्यमंत्री बना है, तो हरियाणा की जनता और गुड़गांव भी आने वाले समय में बदलाव देखेगा और हरियाणा विकास की तरक्की पर चलेगा। लेकिन लोगों का ये मानना है कि ठीक है पिछले टर्म में जो सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अगर गठबंधन की सरकार थी और इतना कंफर्टेबल नहीं थी BJP उस सरकार के साथ तो गठबंधन तोड़ देते, किसी और को मौका देते। और इसके अलावा इससे पहले 2014 से लेकर 2009 से लेकर 2014 तक भी तो सरकार थी और तब तो गठबंधन नहीं था, तो अगर उसी हिसाब से देखें तो 10 साल का समय बड़ा समय होता है। नहीं, 2014 से 19 तक बहुत काम हुई हरियाणा में जी। और मेरा अपना ये राजनीतिक आकलन है कि जो हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी वो 14 से 19 के काम के बाद ही बनी। और आप हरियाणा के इतिहास उठा के देखो, जो 2014 से 19 विधायक रहे और जो 19 से 24 नहीं बन पाए, मैं अपना ही उदाहरण दूं, मेरी 19 में टिकट नहीं दी पार्टी ने, मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मैं 14 से 19 की काम की ही बनिस्पत अब के अच्छी वोटों से चुनाव जीता। तेजपाल तंवर जी, उनको टिकट नहीं दी, वो अच्छी वोटों जीत गए। बिमला चौधरी जी 14 से 19 रही, और ऐसे ही हरियाणा में जिन्होंने 14 से 19 जो MLA रहे वो तकरीबन जीत के आए। तो 14 से 19 तक भाजपा की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन 19 से 24 सरकार थी वो अल्पमत की सरकार थी, और अल्पमत की साझेदारी की सरकार में जैसा काम चलता वैसा ही चला और
लेकिन अब लोगों ने मन बनाया कि फिर एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, लोगों ने वो बनाई है। इस बार के जो इलेक्शन के नतीजे थे सभी को चौंकाया है उन नतीजों ने, और कांग्रेस तो लगातार अभी भी ये कह रही है कि ये सारा का सारा जो खेल हुआ है ये ईवीएम में कुछ गड़बड़ की थी, और जिन विधान 10-20 विधानसभाओं का जिक्र कर रहे हैं उसमें एक आपकी विधानसभा को लेकर भी एक शिकायत इलेक्शन कमीशन को इन्होंने दी थी कांग्रेस ने, कि जो ईवीएम की बैटरी को लेकर जो सवाल उठा था कि 99% कुछ ईवीएम की बैटरी रही। आपको क्या लग रहा है कि इतने नंबर जो बड़े नंबर के साथ एक जीत दर्ज की है और जो जिस तरह के नतीजे जो आए जो लग भी रहे सभी को अनएक्सपेक्टेड है, और कांग्रेस का जिस तरह से आरोप यहाँ लग रहा है, तो आप लोगों को भी था कि तीसरी बार सरकार बन रही है? इतना अंदाजा नहीं था मेरा कि इतने बहुमत से हम सरकार बनेंगे, लेकिन ये था मेरा खुद का व्यक्तिगत तौर पर कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी आ रही है। और जैसे कांग्रेस वाले प्रचार क्या करते कि हम 60 हारे 67 हारे, वो बिल्कुल नहीं था। और चुनाव कांग्रेस का आखिरी हफ्ते में डाउन जाता रहा, बीजेपी उठती रही। और चुनाव की एक आप ट्रेंड देखें कभी भी कि जब आदमी उठता है चुनाव में तो उठता कहाँ तक उठ जाए उसका अंदाजा नहीं होता, कहाँ तक गिर जाए उसका अंदाजा नहीं होता। मेरा ये 8वां चुनाव था और मैंने पहले कह दी कि लोगों ने पहले दिन से मन बना रखा है, और मैं गर्व से कहा करता कि जितनी वोट पड़ेगी नरवीर सिंह 50% में रहेगा। और मैं जब भी कहा था कि मेरे जो सफ़ेद पोश हैं वो पूरी ताकत लगा लो, आप आज भी कह रहा हूँ, आज तो मैं चुनाव जीत चुका कि उनने खूब ताकत लगाई, जितने भी सफ़ेद पोश है पूरा जोर लगाया कि नरवीर सिंह हार जाए। मैंने कहा कि मुझे बीजेपी की टिकट चाहिए थी, बाकी नरवीर सिंह मैं जीत जाऊँगा और अच्छे वोटों जीतता, मैं 60,000 से ऊपर जीतता। और जेजेपी को हरियाणा में जितनी वोट मिली 90 सीटों पे, नरवीर सिंह अकेला उनसे फालतू वोट ले गया। तो आप अंदाजा लगाओ कि लोगों का मन था कि नरवीर सिंह को जिताना है। और अहिरवाल हमारा दक्षिण हरियाणा का इलाका, उनकी लोगों की भावना थी, अकेला बादशाहपुर से मैं चुनाव लड़ा लेकिन इन सभी हलकों की ये भावना थी। और मेरे लिए कोई ऐसी विधानसभा जिसमें हजारों आदमी ना आए हों मेरे के वोट के लिए अपील करने के लिए, तो उनकी भावना थी कि नरवीर सिंह बनना चाहिए, इलाके का काम करेगा, हमारा एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो लोगों ने दिया, लोगों ने वोट बहुत अच्छी तरीके दी। और जहाँ तक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि वे मशीनों में गड़बड़ कर दी, अभी हमारे साथ साथ वोट पड़ी जम्मू कश्मीर की, हमारी सरकार तो नहीं बनी। यदि हम ईवीएम में गड़बड़ करते तो हम जम्मू कश्मीर में भी सरकार बना लेते, उसका इम्पैक्ट तो पूरे देश में, पूरे देश में होता। ये देखो अपोजिशन वालों का काम है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बन गई, वहाँ नहीं कहते हैं मशीनों में गड़बड़ हुई है। ममता बनर्जी की सरकार बन गई, वहाँ नहीं कि इन्हें गड़बड़ हुई है। जहाँ बीजेपी की सरकार बन जाती वहीं कांग्रेस या विपक्षी दल एक बात कहता कि ईवीएम में गड़बड़ है। भाई मशीनों में गड़बड़ होती तो हम 240 MP क्यों जीतते, हम 400 क्यों नहीं जीत जाते। तो ये सब कहने की बात है, और विपक्ष को आलोचना करनी चाहिए सरकार की, लेकिन मेरी सोच है कि ऐसे आलोचना करो जो आम जनता को भी हजम हो जाए, उनके अंदर तक वो बात जाए। हारने के बाद हर बार आप कहोगे मशीन ने गड़बड़, तुम जीत जाओ तो लोगों ने वोट दे दी, हार जाओ तो ये ठीक नहीं। आपके पास एनवायरनमेंट है और अब जो समय अब शुरू हो गया है दिल्ली NCR, फिर से एक बार से स्मॉग जो है वो शुरू हो जाएगा। साल दर साल हर बार यही बातें हर सरकार की तरफ से की जा रही है, खास दिल्ली की बात कर ले, हरियाणा की बात कर लो, एक दूसरे के ऊपर आरोप मन देते हैं कि ये को हरियाणा कर रहा है, दिल्ली कहता है और हरियाणा कहता है कि ये दिल्ली की वजह से हो रहा है। समाधान क्या देखते हैं कि फाइनली इससे राहत कैसे मिलेगी? और अब तो आपके पास ही मंत्रालय, ये बहुत दिन से चर्चा का विषय है, शोचनीय विषय है। और मैं एक इंटरव्यू में पीछे भी कहा है मैंने कि नरवीर सिंह ये कभी आरोप नहीं लगाएगा कि ये दिल्ली की सरकार की गलती है, हमने ये काम किए नहीं। हम इंसान हैं, राजनीतिक दल कोई भी हो चाहे, पहले हमने लोगों का जीवन सुरक्षित करना है। जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, और जो दिल्ली वाले कर सकते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये कर सकते हो तो करो। राजनीतिक तौर पर नरवीर सिंह अपनी तरफ से आरोप नहीं लगाएंगे, पहला जवाब आपको ये देता हूँ। अभी महकमा मुझे मिला है, दिवाली का समय है, फौरन दिवाली के बाद सभी अभी मैं एक छोटी सी मीटिंग में कह के आया हूँ कि इसका परमानेंट आप समाधान ढूंढो। जो दिवाली के बाद अब चंडीगढ़ जाएंगे, अब तो गुड़गांव में हम, तो उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इस साल में समाधान ना कर पाऊँ, लेकिन चाहे वो कृत्रिम बारिश हो चाहे कोई और सोल्यूशन इसका हो, मैं हरियाणा की और NCR की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि लोगों को बदलाव महसूस होगा कि पर्यावरण के मामले में भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी की सरकार इस मामले में गंभीर है।
और लोगों के जीवन से खिलवाड़ ना हो, ऐसा नरवीर सिंह का पूरा प्रयत्न रहेगा। लेकिन एक छोटी सी जो समस्या है जिससे लगातार ये शहर जूझ रहा है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, मतलब ऐसे में हम इतने बड़े जो दावे हैं उस पर कैसे एक आम आदमी भरोसा करे कि छोटा छोटा अब जो कूड़ा है वो पहाड़ बनते जा रहे हैं, हर पॉकेट में, हर चौराहे पे, घर के बाहर, घर के अंदर, एक बड़ी दिक्कत ये बनती बन रही है शहर। सबसे बड़ी दिक्कत कूड़े उठाव के साथ साथ है कि इनको पहले डाल ले कहाँ। जहाँ तक मंत्री छोड़ दीजिए, नरवीर सिंह मंत्री ना हो तो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, किसी के घर के आगे कहीं ना कहीं सेक्टर में कहीं एक बार डंप, शहर में 50-100 जगह तो एक बार डंप करके वहीं से तो उठाएंगे ना। जहाँ भी हम डंप करने की कूड़े की कोशिश करते हैं वहीं एजिटेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ हर जगह से कूड़ा उठा नहीं सकती, छोटी छोटी गाड़ियाँ उठाती शहर में से, गलियों में से, मोहल्लों में से, और फिर एक जगह डंप यार्ड बनाते हैं, हम उसका इकट्ठा करते हैं। ऐसी शहर में 50-100 जगह डंप यार्ड हैं, जहाँ डंप यार्ड बनाते वहीं एजिटेशन हो जाता है। भाई इसका समाधान करेंगे कि भाई कहीं तो लोग माने उसको, भाई मेरा कूड़ा है तो मेरे घर के आसपास इकट्ठा होगा, दूसरे कूड़ा तो चाहूँ कूड़ा मेरा दूसरे घर के आगे पड़ जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो पहले तो एक डंप यार्ड हर जगह गुड़गांव में 50-100 जगह डंप यार्ड बने, और उनकी व्यवस्था हो कि वो दो दिन में कूड़ा वहाँ से उठ के, क्योंकि दो दिन तक तो बदबू मारती भी नहीं, मैं मानता हूँ, और कहीं है तो उसका छिड़काव किया जाएगा, उसका हो जाता है, कोई मच्छर मक्खी उससे पैदा ना हो, और फिर उसको उठाया जाए। थोड़ा सा बदलाव हमने किया है, लेकिन 1-1.5 महीने में आपको बदलाव नजर आएगा। अगर मैं कहता हूँ 100 दिन में, आज मैं एक दिन में कह दूँ सब कुछ बदलाव नहीं, 100 दिन में गुड़गांव आपको ये कंक्रीट का, ये पॉलीथीन का जंगल आपको नहीं मिलेगा, साफ गुड़गांव मिलेगा। और मैं तो आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में स्वच्छता में बहुत सालों से मैं सुनता रहा हूँ कि इंदौर एक नंबर का शहर है। मैं गुड़गांव, बहुत से लोग कहते हैं, अपोजिशन के लोग भी हमसे कहा करते, उनकी मैं भाषण सुना करता यूट्यूब पे कि हम गुड़गांव को सिंगापुर बनाएंगे। मैं चुनाव में भी कहा करता नरवीर सिंह गुड़गांव को सिंगापुर नहीं बनाएगा, हम इसको गुरुग्राम बनाएंगे, शीतला माता के गुरु द्रोणाचार्य की धरती है, और इसको एक अच्छा गुड़गांव बनाएंगे। इंदौर ना बना पाए तो टॉप 10 में लाने की इसको कोशिश इन 5 सालों में करूंगा, और ये मैं नहीं कर रहा, ये जनता कहेगी तब मानेंगे आपकी गुड़गांव को हमने एक अच्छा शहर बनाया। अहमद शाह अब्दालियों का क्या कुछ करने वाले हैं? कोशिश है, और मीटिंग में कहा भी था कि बदलाव करो, उम्मीद है कि बदलाव कर लेंगे। जैसा राजा वैसी प्रजा, वैसी अधिकारी, हम कहा करते थे राजा होगा वजीर होगा वैसे ही। सरकार बदली है, नायब सैनी की ईमानदार एक अच्छा मुख्यमंत्री है। मैं तो अपना आपको क्या सर्टिफिकेट दूँ, जनता देगी वो तो 5 साल बाद कि क्या किया। कोशिश है बदलाव होगा, जो नहीं बदलेंगे अधिकारी वो गुड़गांव चले जाएंगे, वरना हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो ठीक हो जाए। आपकी अमित शाह से मुलाकात भी खासी चर्चाओं में है, चुनाव से पहले ये चर्चाएं थी कि राहुल नरवीर को जो है इस बार भी बीजेपी टिकट नहीं देगी, लेकिन आपकी जो तस्वीरें निकल कर आई अमित शाह के बाद, और मतलब जो सूची जारी होनी थी बीजेपी की उससे पहले ही कंफर्मेशन आ गई थी, और अब एक बार फिर से अमित शाह के साथ कुछ तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। देखो अमित शाह जी हमारे देश के लीडर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर, आज देश के गृह मंत्री हैं, देश के अध्यक्ष भी रहे पार्टी के, और उनके नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अपने लीड राष्ट्रीय नेतृत्व से मैं कभी भी मिल सकता हूँ, और एक आम कार्यकर्ता भी मिलता, अब तो एक मैं मंत्री हूँ। मुझे विश्वास था कि मेरा जो सर्वे है, हर सभी पार्टियां सर्वे कराती, चुनाव से पहले नरवीर सिंह चुनाव जीत रहा है, तो जब पार्टी कैंडिडेट ढूंढ रही है और नए नए पार्टी से लोग आए हैं हमारी पार्टी में भी, बाहर के कैंडिडेट एक दिन पहले आए टिकट ले गए वो, तो फिर नरवीर सिंह को भाई क्यों नहीं, मैंने ऐसे क्या कसूर कर रखा है। तो मैं चुनाव से पहले 1 साल में पहले मैं कहा करता, आपने मेरे भाषण सुनना, कि पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मेरा हर जगह आप देख लेना। तो मुझे अपने आप पर विश्वास था कि भाई मेरे से अच्छा कैंडिडेट है नहीं, और फिर जब टिकट मिल गई, जब मैंने सबको कह दिया कि जो जो टिकट की लाइन में लग रहे थे वे सब खिलाफत करते, मगर पूरा जोर लगाओ नरवीर सिंह को तो टिकट बीजेपी के चाहिए, बाकी जनता मेरे साथ है और मैं चुनाव जीतूंगा, और सबने पूरा जोर लगाया, और आज उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको अपनी पता लगी, मुझे अपनी पता लगी, जनता ने अब मेरे को आशीर्वाद दिया और मैं अच्छे बहुमत से और अपने राजनीतिक जीवन में सबसे अच्छी जीत से मैं जीता। लोग तो ये भी चर्चाएं कर रहे हैं खासतौर से कि नरवीर सिंह की जो किस्मत रही है, इससे पहले 3 बार आप विधायक बने, 3 बार मंत्री बने, और जहां ये लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस
आ रही है और बीजेपी जा रही है, आप अड़े रहे कि बीजेपी? ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आज तक हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई एमएलए नहीं जो चार बार एमएलए बना और चार बार मंत्री बना, ये मेरा सौभाग्य। दूसरा कि हरियाणा की विधानसभा में सबसे सीनियर एमएलए मैं हूँ, पूरी 90 की विधानसभा मैं और रघुवीर कादियान जी, हम दोनों 87 के एमएलए और मंत्री हैं। वो कांग्रेस में, उनकी उम्र होगी तकरीबन 84, मैं 63 का हूँ, क्योंकि जब मैं बड़ा जब 25-26 साल का था उस टाइम वो बड़े थे, तो हमसे बड़ा तो एमएलए ही कोई नहीं, सीनियर एमएलए। वैसे तो मेरे से ज़्यादा बन चुका अनिल विज जी, 7 बार एमएलए बने हैं, हमारे पवार साहब 6 बार बने हैं, उसके बाद 3रा एमएलए, 4 बार मुझे बनने का सौभाग्य मिला है, लेकिन 87 का एमएलए कोई नहीं, हम 2 ही एमएलए 87 के, तो इसलिए वरिष्ठता में भी ठीक है। और ठीक है, अमित शाह जी मिल लेते हमसे, और कोई मिलो जो जिसको टाइम मांगेगा मिल जाएगा, मैंने टाइम मांगा मुझे मिल गया, ये मेरा सौभाग्य है। और वो बिजी हैं थोड़े से, क्योंकि अब चुनाव महाराष्ट्र में झारखंड में हो रहे हैं, सबको बुला लेंगे, सबसे बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम रणवीर जी हमें समय देने के लिए, रिपोर्टर जी के स्टूडियो आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो वादे आपने किए थे और जो 100 दिन का संकल्प है कि एक बदलाव दिखेगा, हम बड़े स्तर पर नहीं लेकिन वो एक बदलाव दिखेगा, उसकी ना मैं कोशिश करूंगा कि गुड़गांव में आम जनता को बदलाव दिखे, गुड़गांव के लोग ये माने कि भाई नरवीर सिंह हमारा है और नरवीर सिंह ने बदलाव करने की कोशिश करी है। जब आम आदमी जिसकी राजनीतिक पहुंच नहीं है, जब तक उस गरीब के घर तक सरकार की फायदे ना पहुंचे, तब तक नरवीर सिंह और भाजपा का बनने का कोई फायदा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।